नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सहायक परिचालक तथा कर्मशाला कर्मचारी परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। एक बड़ी भर्ती है, इसका रिजल्ट भी अब जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। दूसरी ओर प्रधान रिचालक प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अदालत के निर्णय के अधीन घोषित किए जाएंगे। और आप सभी को मालूम है यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का रिजल्ट जो काफ़ी इंतजार के बाद जारी किया जा चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी इस समय लगातार रिजल्ट जारी कर रही है। डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 8 तारीख से शुरू हो रही है, और सुबह की पाली में 10 से 12 और 12 बजे तक बाल विकास, और दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की परीक्षा होगी। 9 अगस्त को सुबह 10 से 1 बजे तक विज्ञान, 11:30 से 12:30 बजे तक गणित और 2 से 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। 10 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे तक हिंदी, 11:30 से 12:30 बजे तक संस्कृत या फिर उर्दू, दोनों में से जो भी आपने लिया होगा उसकी परीक्षा होगी। 2 से 3 बजे तक कंप्यूटर की परीक्षा होगी। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 अगस्त से शुरू होगी। पहले दिन 10 से 12 बजे तक शैक्षणिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और 1:30 से 3:30 बजे तक समावेशी शिक्षा की परीक्षा होगी। एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो एसएससी की जो परीक्षा हर साल होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं एमटीएस, इसमें जो है पदों की संख्या बढ़ गई है। अब इसके साथ साथ इसमें आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब 3 अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो जो ना किए हों आवेदन, जल्दी से इसमें आवेदन कर ले। एसएससी एमटीएस के 1257 पद भी बढ़ गए हैं। कुल पदों की संख्या 9583 हो गई है। आवेदन के बाद 4 अगस्त तक फीस जमा कर सकते हैं इसमें, और अगर कोई त्रुटि मिलती है तो 16 और 17 तक इसको संशोधित भी कर सकते हैं। तो इसमें अब पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और विज्ञापन के समय जो रिक्त पद थे वो 4887 थे। इसको पदों की संख्या बढ़ाकर अब 9583 कर दी गई है। बिहार की बात करें तो यहाँ 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा की भर्ती शुरू हो रही है, इनकी बहाली की जाएगी। तो जो छात्र दरोगा और सिपाही की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। 1275 दरोगा जो है उसमें 822 पुरुष और 450 महिलाएं एवं 3 ट्रांसजेंडर हैं। ये जो अभी चयनित हुई है, जो चयनित हुए हैं उनके माध्यम से इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कोटे में कोटा मंजूर किया है। आरक्षण का फायदा ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए वर्गीकरण का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि जो एससी कैटेगरी के छात्र थे एससी एसटी में, उसमें दो चीज़ें लगी हैं। एक तो मतलब जो क्रीमी लेयर बनाया गया है एससी एसटी, एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर बनाया गया है, बनाया जाएगा, इनको जो है कोटे से बाहर रखा जाएगा। ये पहला रूल है। सेकंड रूल, एससी एसटी का जो कोटा 15% का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा है, इसके अंदर सब कैटेगरी बनाई जाएगी, यानी कि जो कुछ डेवलप कर चुके हैं उनको पहली कैटेगरी और जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर इस 15% कोटे को इन दोनों में बांट दिया जाएगा। पूरा मामला ये है, यानी कि दो रूल हैं। पहला रूल तो या तो कुछ लोगों को बाहर कर दो जो डेवलप कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने कोटे का फ़ायदा ले लिया है और वो अच्छी पोजिशन पर है, पैसे वाले हो गए हैं, उनको बाहर किया जाएगा और क्रीमी लेयर बना दिया जाएगा उनका। और बाकी जो अभी तक डेवलप नहीं किए हैं, कोटे का फ़ायदा नहीं लिए हैं,
उसमें उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उनको कम लाभ मिलेगा। अखिलेश यादव ने NFS की नई डिफिनीशन बताई है। NFS जब कोई रिजल्ट जारी किया जाता है तो बोला जाता है नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, और अखिलेश यादव ने बताया नॉट फेयर सिलेक्शन है ये NFS जो है ये नॉट फेयर सिलेक्शन है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती हो रही थी, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के पद थे, यहाँ पे आनन फानन में ये भर्ती की गई, ऑनलाइन रिजल्ट निकाला गया, 9 पदों को लिख दिया गया NFS नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, और इन 9 पदों में से 8 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के पद थे। तो अखिलेश यादव ने ये बताया है कि जो PDA है उसका ये लोग ठीक से सिलेक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉट फेयर सिलेक्शन है, ये नॉट फाउंड सूटेबल नहीं, ये नॉट फेयर सिलेक्शन है। बिहार में सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो ये जो पात्रता परीक्षा होगी, जैसे एक तो होती है नेशनल पात्रता परीक्षा नेट होती है, उसी की तर्ज पर बिहार सरकार खुद की बना रही है बिहार पात्रता परीक्षा BBET, ये हो गया नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बना रहे हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट BBET। तो जैसे अभी आप लोग STAT देते थे, STAT से आप TGT PGT शिक्षक बनते थे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको BBET देना होगा। BBET निकाले रहेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आप भर पाएंगे। तो BBET की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके बिहार में BBET आ गया। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो BBET क्वालिफाई करके भी आप जा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में। यानी कि जो आगे की भर्तियां आएंगी बिहार सरकार में, उसमें आप जैसे ही BBET क्वालिफाई रहेंगे तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो नेट रहिए, या तो BBET रहिए, या तो PhD करिए। तो यहाँ पे वैकेंसी तो अभी बहुत सारी आने वाली है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कोई ना कोई एक परीक्षा पास कर लें। और CP स्मार्ट क्लासेस पे अपडेट्स के लिए बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस पे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।